तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा DDH के कार्ड के बारे में। ठीक है, ये कार्ड आपको पहले भी देखने को मिला है, ठीक है, इसी चैनल पे। तो बट इस कार्ड की जो आज की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो है सिग्नल को लेकर। ठीक है, तो कई बार फ्रेंड्स हमारे जो TV चल रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बीच में क्या होता है, कई बार स्क्रैच आ जाती है फ्रेंड्स, कि फिर 1-2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद स्क्रैच का आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर वीक सिग्नल लिखा आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, आपका डब्बा मतलब आपका जो रिसीवर है बॉक्स से, वो कट मार देता है। ठीक है, और इस कंडीशन में मतलब होता है कि फ्रेंड्स, आपका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल ही, कई बार तो ज़्यादा हो जाता है जब आप सिग्नल चेक करते हो। ठीक है, रिमोट का बटन आपका सिग्नल चेक करोगे तो कई बार देखते हैं कि बहुत बढ़ गया है, या फिर कई बार होता है कि बहुत कम हो गया है। ठीक है, एकदम से। तो उस कंडीशन में मतलब होता है कि फ्रेंड्स, तो ये IC है आपकी। ठीक है, ये IC क्या होती है फ्रेंड्स, जब आपकी IC गर्म होने लगती है, गर्म हो जाती है मतलब पूरी तरह से खराब हो जाती है, तब इस कंडीशन में आपका नेटवर्क, जैसे आपने अभी 2 घंटे बाद TV रुक के चलाया, तो मतलब उस कंडीशन में होगा क्या, वो कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट अच्छा चलेगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ये IC जैसे ही गर्म होगी तो यहाँ पर आपको क्या, स्क्रैच देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रैच। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए पहले एक बार आपने जो कि आपकी जो छतरी जहाँ पर लगी है, ठीक है, LNB वाला सेक्शन अच्छे से चेक करवा लेना है कि पूरा ऊपर से सिग्नल, सेटेलाइट से सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वहाँ से बिल्कुल ओके है तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने जो कि इस IC को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपका ऊपर का छतरी वाला सेक्शन बिल्कुल ओके है, चल रहा है, और उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, या आपके पास कोई रिसीवर मतलब आपके पास कोई अलग बॉक्स है, ठीक है, घर में हो सकता है कि आपके भैया के घर पे लगाओ या फिर किसी भी घर में लगाओ, तो वहाँ पर आप ये बॉक्स उतार के वहाँ से ये दूसरा बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप स्क्रैच देखने को मिल रहा है आपको उसी बॉक्स में, ठीक है, तो आपने IC चेंज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर IC नहीं चेंज करना चाहते तो आपको ये कार्ड की कीमत पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 300 रुपया कार्ड है, और मेरे हिसाब से जो बॉक्स की कीमत रहेगी वो 450 या 500 रुपये के करीब रहेगी। ठीक है, और एक सप्लाई होती है फ्रेंड्स, वो आप सभी को पता है। ठीक है, 60 से 70 रुपये की आती है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे शहर में यही रेट है, मैं अपना बता रहा हूँ। तो इस कार्ड में फ्रेंड्स ये चालू है, बिल्कुल ओके कार्ड है, बट जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो इस IC में है। जैसे ही मतलब चेक करता हूँ तो ये गर्म हो जाती है। ठीक है, इसको कैसे रिमूव करना है और कैसे लगाना है, ठीक है, तो आज के बारे में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, और चलिए इस IC को पहले हम बदल लेते हैं और चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल सा फ्रेंड्स करना क्या है, अगर मेरे को पता है कि मोबाइल वाले सॉरी TV वाले ये इस पेस्ट को यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स ये पेस्ट आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि ये फिर बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। जैसे ही आप हीटिंग दोगे ये वहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेस्ट को यूज नहीं करेगा। ठीक है, इंजेक्शन पेस्ट है, या फिर अगर इंजेक्शन पेस्ट नहीं है तो फ्रेंड्स ये आपके पास वाइट पेस्ट होगा। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इंजेक्शन पेस्ट यूज कर रहा हूँ। अगर इस पेस्ट से अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास पत्थर पेस्ट है तो पत्थर पेस्ट में दिखा देता हूँ, ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपके पास ये पेस्ट है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा पेस्ट है, बट तो मैं यहाँ पर इंजेक्शन वाइट ही पेस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से उतार रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से लगानी है। ठीक है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जो आपके इस पे नंबर लिखे हैं, सीरियल नंबर, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स इस तरफ लगेंगे। ठीक है, इसी तरफ उसके बिल्कुल इस तरह से आप लगाओगे तो इस तरफ से जो कि है सही ओके लिखा है। ठीक है, तो मतलब इस तरफ से है। ठीक है, और चलिए पहले मैं इस IC को उतार लेता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो थोड़ा फोन हिल रहा है, फ्रेंड्स आपने जो कि एयर है थोड़ी सी कम कर लेनी है। ठीक है, एयर ज़्यादा नहीं रखनी है और एयर को थोड़ा कम कर लेना। तो मेरे पास एक पुराना कार्ड है, मतलब कार्ड ही कंडीशन दिखा देता हूँ, ये कार्ड है। ठीक है, इसके कार्ड ही कंडीशन ठीक है, बस थोड़ा इसमें जो कि IC खराब है बड़ी वाली। ठीक है, बट इसका जो कि मेरे को ये नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल ओके है, तो मैं यहाँ से इसी का रिमूव करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो पहले मैं इसका रिमूव कर लेता हूँ, फिर साथ के साथ उसी को उतार के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रख लगवा इस तरह से रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने एयर थोड़ी सी मीडियम सी एयर रखनी है, ज़्यादा एयर नहीं रखनी है।
फ्रेंड्स ये बिल्कुल आसानी तरीके से जो कि उतर चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ उतार के, और ये है वो आईसी आपको शायद नज़र आ रही होगी, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब फ्रेंड्स थोड़ा इसको जो किया है तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो किया टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लिक्विड पेस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा पेस्ट कर लिया और थोड़ा इनको जो कि एक बार सोल्डिंग कर देंगे हम। तो दोस्तों थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा इंजेक्शन पेस्ट जो कि आपने रख लेना है, ठीक है। अगर इंजेक्शन पेस्ट नहीं है तो दूसरा पेस्ट आप रख सकते हो, ठीक है। मेरे पास फ्रेंड्स सॉरी तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ये पेस्ट है, ठीक है। मैं इसको भी यूज करता हूँ, ठीक है। ये अच्छा पेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेस्ट इसमें से निकाल के हम जो कि है यहाँ रख लेंगे। बस इतना बहुत है यहाँ पर, और थोड़ा सा सोल्डरिंग लेंगे और एक बार इसको जो कि अच्छे से जो कि पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको जो कि अच्छे से पेस्ट कर लिया है, और अब थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। और क्लीन करके फिर से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो शायद आपको अब अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लीन हो चुका है अच्छे से, और अब करना क्या है फ्रेंड्स, वो आईसी आपने निकालनी है और इसमें रख देनी है। तो थोड़ा पहले यहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पेस्ट रखना है और हल्की सी हीटिंग देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, बट अब थोड़ा सा काम बचा है, इसमें से आईसी निकालनी है, ठीक है, दूसरे कार्ड में से, ठीक है। तो इस कार्ड में से जो कि आईसी निकालनी है, तो पहले मैं इस कार्ड में से आईसी निकाल के उस कार्ड में रख दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर भी इसी तरह से करना है आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा पेस्ट हम लगा लेंगे इसके ऊपर, और बाद में क्या, और बाद में उस कार्ड में जो कि डाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितनी एयर कम हो सके, इतनी एयर को जो कि आपने कम यूज करना है,
यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऐसी निकाल ली है और इसको इसी तरह से रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको रख दिया है और अभी इस कार्ड को यहाँ से हटा लेते हैं और इस कार्ड में फिर से जो कि हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, अच्छी हमारी लग चुकी है, ठीक है। तो शायद आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइडें ओके हैं, इसकी साइडें देख लेनी है आपने बस, ठीक है। अब बात करते हैं इसको चेक करके, ठीक है। ठीक है, अब चेक करके इसको हम देखते हैं अच्छे से कि ये मतलब काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, हमने सिंपली जो कि इसको मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। और ये कार्ड था, सॉरी ये कार्ड है हमारा, ठीक है। और ये इसका सर्किट है, और थोड़ा मोबाइल को मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं लगा के, तो अभी पता लग जाएगा फ्रेंड्स इसमें लाइट आ रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सही नज़र आ रहा हो, यहाँ पर हमारी लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, ठीक है। सॉरी ऑफ का बटन दब गया था मेरे से, ये ऑफ का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल काम कर रहा है, और आप अच्छा लगाओगे इसे तो बिल्कुल ओके काम करेगा, कोई फ्रेंड दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये ऐसी चेंज करनी है, पहले ये बहुत गर्म हो रही थी, बट अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये गर्म हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।